हाँ दोस्तों मेरा नाम देवर नगरवाल है आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम और आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलेंगे टूल्स के बारे में नॉलेज जी हाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर हम मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप खोलना चाहते हैं बहुत सारे लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग के इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं जो डायरेक्ट कहीं से सीख के और बहुत ज़्यादा आ, उनको पता नहीं होता है कि क्या रिपेयरिंग के एक्चुअल टूल्स होने चाहिए माइक्रोस्कोप क्यों जरूरी है क्या माइक्रोस्कोप मुझे लेना ही है क्या बिना माइक्रोस्कोप के मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता या जो भी है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जितने भी जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो लिस्ट में जाइए देखिए हमारे काम और हमारे इंस्टीट्यूट में कितने हम यहाँ पे लोगों को सिखाते किस तरीके से सिखाते हैं क्या हमारी सिखाने का हमारा प्रोसेस रहता है ये पूरा वॉच कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला दोस्तों क्योंकि अगर सौ में से दस भी ज्ञान मिल जाता है तो वो आपको आपकी ज़िंदगी के एक स्टेप आगे बढ़ा देगा तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह के टूल्स हमें लेना चाहिए और कौन से टूल्स आप आगे भी परचेज कर सकते हैं और अगर आपका बजट कम है या बजट आपका ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से खुद समझ सकते हैं कि यार ये अब मुझे लेना है या नहीं लेना है तो ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो साथ तो, में अब आपको एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी साइड में तो हम एक एक फोटो उठाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टूल आपको लेना चाहिए और कौन सा टूल आपको नहीं लेना चाहिए सो so, सबसे पहले मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूं जो तो शुरुआत है वीडियो लंबा हो जरूर होने वाला है पर आपके फायदेमंद की बात है सो so, सबसे पहले यहाँ पे आता है सोल्डिंग आयरन तो आपको सोल्डिंग आयरन तो लेना ही है ऑब्वियस है कि कुछ भी टाका लगाना जैसे हिंदी में बात करूं मैं टाका लगाना जिसको हम बोलते हैं तो भाई अगर आपने आ, किसी का स्पीकर रिंगर माइक या नॉर्मली आपने अगर जैक भी निकालना है तो कई बार हम सोल्डिंग आयरन से भी जैक निकालते हैं तो सोल्डिंग आयरन इज वेरी मस्ट तो ये आपको सोल्डिंग आयरन लेना है शोल्ड्रॉन अच्छा हो सकता है बहुत सारी मैकेनिक कंपनियाँ आ रही हैं सो तो आप अपने पास सोल्डिंग आयरन कम से कम तीन कैटेगरी के रखिए एक आप अपने पास में आप बिल्कुल कम वाट का सोल्डिंग आयरन जो लोकल होता है टॉनी बोलते हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए ये आपको इस तरह से हो सकता है दूर से दिखाने अभी क्या, ये पूरा जितने भी टूल्स हैं सब वहां पर इनको मैंने बांध के रखा हुआ स्टेकिंग किया हुआ है इसलिए उनको मैं निकाल नहीं सकता सो so, सबसे पहले आप आठ वाट का कम टेम्परेचर का टॉनी यूज वो जरूर लीजिएगा फिर एक हाई टेम्परेचर जो चार डिग्री तक जा सकता है वो भी आप जरूर लीजिएगा तो सोल्डिंग जो आप सोल्डिंग कर रहे हैं वो जरूर परचेस कीजिए ये आपको मिल जाएंगे ये दोस्तों ये पचास रुपये साठ रुपए डेढ़ सौ रुपये दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये और अच्छी कैटेगरी में ये और ज्यादा अच्छे आपको मिल जाएंगे उसके बाद अगर मैं ये बात करूं तो ये होता है सोल्डिंग बिट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी सोल्डिंग बिट अब इसमें से आपने कुछ देखा होगा कुछ स्ट्रेट है कुछ बैंड है कुछ नाइफ है सो so, अलग अलग बिट है ये काफी अच्छी बिट है आप ये भी डिमांड कर सकते हो ये भी ले सकते हो बहुत महंगी नहीं आती है तो शुरुआती टर्म्स में कई बार आईसी निकालने के आई के नीचे क्लीन करने पर तो ये बिट काफी हद तक काम आती है तो और ये होता है सोल्डिंग स्टेशन सोल्डिंग स्टेशन क्या काम में करता है दोस्तों सोल्डिंग आर उसका जो टेम्परेचर होता है वो जिस टेम्परेचर का होता है वही टेम्परेचर उसका सेट रहता है उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं बट जो सोल्डिंग स्टेशन होता है सोल्डिंग so, स्टेशन uh, होता है उसका टेम्परेचर हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं सो so, ये भी काफ़ी अच्छा है जैसे सपोज़ कभी कभी हमें आईसी के अंदर माइक्रो जंपरिंग करना होता है तो हम 400 डिग्री टेम्परेचर पर जंपरिंग करें जरूरी नहीं है हो सकता है उसके पैड निकल जाए तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी के भी आते हैं ये नॉर्मल चाइना का भी मिलता है तो मैं पहले बोलता हूँ कि वो जो चाइना का आता है ढाई सौ तीन सौ रुपये का वो बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि वो खराब हो जाता है वो किसी काम का नहीं है और जैसे कि इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ जैसे यहाँ पे आप इस तरह का इसको राउंड इसका आप देख रहे होंगे लॉक देख रहे होंगे ये लॉक वाले काफ़ी अच्छे हैं और इसमें इनके जो निरल्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं तो जो भी आप लीजिए अच्छी कंपनी का लीजिए अगर मैं कंपनी रेफ़र करूँ तो आप आप मैक्स भी जा सकते हैं आप आप मैकेनिक जा सकते हैं आप यहाँ पर आप सोल्ड्रॉन का जा ले सकते हैं बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों अगर हम बात करें सनसाइन का आप ले सकते हैं तो बेसिकली ये आपको लेना है कम से कम 400 या 800 और अच्छा अगर आपका बजट है तो आप इसको डिजिटल ले सकते हैं जिसमें डिजिटल एक डिस्प्ले आता है जो कुछ सेकंड में ही आपको 400 डिग्री से टेम्परेचर तक भी पहुंचा देगा तो ये काफी अच्छा है ये अच्छी डील है आपके लिए ये आप ले सकते हैं तो मैंने बताया अगर बजट कम है तो चार वाला ले लीजिए अगर बजट अच्छा है तो डेढ़ का भी ले लीजिए जो मेरे पास पीछे रखा हुआ है ये डेढ़ का बी ट्रेन का है काफी अच्छा है दोस्तों और ये कुछ ही सेकेंड में चार डिग्री तक पहुंच जाता है मैं उसकी फोटो भी आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों अब बात करता हूँ सेकेंड इज सोल्डिंग पेस्ट ही तो ये सोल्डिंग पेस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में तो आपको तो पता होगा ये क्या काम करता है ये ओरिजिनल ख़रीदने की कोशिश करें इसको डुप्लीकेसी में मत करें मैं बोलता हूँ थोड़ा सा महंगा आएगा जैसे ज़्यादा अगर ये आपको पच्चीस रुपये का मिल रहा है तो ओरिजिनल डेढ़ सौ रुपये का आ जाएगा पर एक बार आप लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका फ्लक्स है और जब आप आईसी लगाओ तो आपका फ्लक्स आई को बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं क्योंकि जनरली जो बिल्कुल नकली होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लिक्विडली होते हैं और जब आई लगाते हैं तो वो सही तरीके से बैठ नहीं पाती है और कहीं ना कहीं वो जो बॉल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं या आपस में चुपक जाते हैं तो सोल्डिंग फ्लक्स का बहुत होना सो so आपका आईसी लगना वन टाइम में सक्सेसफुल होना ये बहुत डिपेंड करता है सोल्डिंग फ्लक्स के वजह से सो so, अगर मैं बताऊं ये है सोल्डिंग प्लस ट्यूब में आता है इंजेक्शन के रूप में होता है बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जितना भी क्वांटिटी अप्लाई करना चाहते हैं उतनी ही क्वांटिटी वो निकालता है फॉर एग्जांपल आप एक उंगली से लगा लेते हैं कई लोग कोई टूल्स से लगा लेते हैं कई कही, कहीं से भी उठा वो लगा लेते हैं तो ज़्यादा क्वान्टिटी आ जाती है और इस वजह से जहाँ हमें सोल्डिंग फ्लक्स नहीं देना है वहाँ भी सोल्डिंग फ्लक्स फैल जाता है सो so, बेसिकली ये इंजेक्शन यूज़ होता है ये भी काफ़ी अच्छा है ये सस्ता आता है ये भी आप शुरुआत के दौर पर खरीद सकते हैं दोस्तों ये होता है ब्रश इसको एंटी इसको एंटी ईएसडी जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ए ईएसडी ब्रश है ये ब्रश पकड़ने से पहली बात तो जो भी आ, अनफोर्सली जो फोर्स होते हैं वो पैदा नहीं होंगे जो भी इलेक्ट्रॉन है अनफोर्सली जो जनरेट होते हैं वो पैदा नहीं होंगे कई बार क्या होता है नॉर्मली पीसीबी को छूने से भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे अब इलेक्ट्रोस्ट्रेटिज डिस्चार्ज मतलब करंट का पैदा होके खत्म हो जाना ये एक तरह से प्रोटेक्शन होता है आपने देखा होगा कई लोगों का ये मानना है कि सर हमने तो फॉर्म खोला ही है और जब खोला तो देखा कि जब खोलने से पहले तो चालू था पर खुलने के बाद डेड हो गया तो जनरली हमारे छूने से भी कुछ वोल्टेज जो आ, कभी कभी ड्रॉप डाउन होते हैं जिस वजह से केस में आईसीओ को हानि हो सकती है तो इस वजह से जितने भी टूल होते हैं आपने देखा होगा उस पर ई लिखा होता है या ई एम आई एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस फ्रिक्वेंसी जिसको बोला जाता है ई एस डी या ई एम आई एफ ये हमारी सारी कॉम्पोन से मिलकर एक जो बात करें डायोड से मिलकर एक प्रोटेक्टर आईसी होती है जो हर सेक्शन में आपको प्रोटेक्टर आईसी आज के नवे साइड में या आज के नए दौर के साइड में लगी आपको देखने को मिलेगी तो ये भी बहुत अच्छी है ये भी आप शुरुआत के दौर पर जरूर खरीदें अगर हम बात करें ये होता है इसको बोलते हैं पिक -पिक बोतल बोतल दोस्तों पिक -पिक क्या होता है ये जो फोटो है ये मैंने निकाली है जी टू मार्क डॉट कॉम से वो भी एक अच्छी वेबसाइट है आप वहां भी जाके खरीद सकते हैं बाकी मैंने जेड एक्स मिलिक का भी एक नंबर देकर रखा हुआ है आप उनसे भी खरीद सकते हैं साथ में आप चाहे घफर मार्केट में भी जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं और जहां भी आपके लोकल एरिया है वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं और दोस्तों ये पिक्पी बोटल होती है जो हम थिनर जिसको हम लेते हैं बड़े से केन में या पेट्रोल ले रहे हैं आप थिनर ले रहे हैं आप कोई सा भी सोल्यूशन्स अगर आप ले रहे हैं और जो वाट जो अपने वाटर डैमेज फोन को या जो डस्टी फ़ोन होते हैं उनको क्लीन करने के लिए वो थिनर का यूज़ किया जाता है तो उसके लिए अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना हमको लेना है उतना ही आता है जनरली क्या होता है लोग अगर इस पर टिप टिप करते हैं तो बहुत थोड़ा सा निकलता है और उतने से काम हो जाता है पर कई लोग क्या करते हैं पूरा ब्रश बोतल में घुसा देते हैं जिसकी वजह से आपका जो थिनर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है या जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ये एसी टोन हो गया ये भी स्प्रे वाला एसी टोन है दोस्तों ये भी आप ले सकते हैं ये होता है आपका अल्ट्रासोनिक क्लीनर टब, इसको हम बोलते हैं इसको लोग झटका मशीन भी बुलाते हैं झटका मशीन क्यों, क्यों क्योंकि ये बेसिकली वाइबरेटर मशीन इसको बोलते हैं बेसिकली ये क्या काम करता है ये काम करता है जब भी वाटर डैमेज जो फोन आते हैं वो जनरली हाथों से क्लीन करने पर बहुत ज़्यादा हद हाँ तक 90 परसेंट हंड्रेड परसेंट क्लीन नहीं होते हैं तो अगर आप इसमें डालते हो तो ये उसको वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करता है साथ में इसको हम अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद से भी इस पर जो हम किरणें डालते हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा वार्म अप होता है जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर के डस्टपन है या जो वाटर के जो भी रस्ट बोल सकते हो आप उसको वो इससे निकल जाते हैं काफ़ी अच्छी डील है पर अगर मैं बोलता हूं अगर आप शुरुआती दौर पे अगर आपका बजट ठीक नहीं है अगर आप लो बजट में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है पर अगर आपका बजट अच्छा है हाई बजट है तो ये बिल्कुल आप खरीद सकते हैं ये छह सौ रुपए चार सौ रुपए से शुरू हो जाता है दोस्तों ट्विटर ट्विजर तो ऑब्वियस आपको लेना ही है मोबाइल फोन खोलना हो स्क्रू पकड़ना हो आईसी पकड़ना हो कॉम्प्रिट निकालना हो कॉम्प्रिट लगाना हो सो ये बहुत जरूरी है ट्विजर ये इसको हम बैंड ट्विजर बोलते हैं या आईसी को पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है जनरली जब आईसी के ऊपर क्लीनिंग की जाती है तो आईसी को इस तरह से ये पकड़ता है काफ़ी अच्छा होता है और ट्विजर दोस्तों आप जो भी लें ई एस डी ट्विजर लें उसके ऊपर ई एस डी लिखा हो या तो एंटी स्टैटिस मतलब जो भी ट्विजर लें एंटी स्टैटिस लें क्योंकि जनरली ट्विजर की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे शरीर के वो भी आपके पी सी वी पर जा सकते हैं अब जैसे देखिए इस पर लिखा हुआ है ई एस डी अच्छा इस पर ये लिखे होने का कारण भी यही है तो ये ब्लैक है क्योंकि आप अगर इस पोर्शन से पकड़ेंगे तो आप कभी भी मल्टीमीटर को लीजिएगा बीप मोड पे और आप इन दोनों जो एरिया है इन दोनों पर टच कीजिएगा तो आपको बीप मिलेगी पर आप यहां से और यहां पर टच करेंगे तो आपको बीप कभी नहीं मिलेगी तो यही रीजन है एक इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है इसके ऊपर फिर मल्टीमीटर आपको लेना ही है मल्टीमीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मल्टीमीटर सौ रुपये का आता है ये भी लीजिए और एक अच्छा मल्टीमीटर जरूर लीजिए सनसाइन का ले सकते हो बहुत सारी कंपनियां आती हैं आप उनका ले सकते हो अभी आईफोन में जैसे कि जो ब्रांड चलता है जो यूएस का ब्रांड होता है आईफोन में जैसे आप मैकेनिक का ले सकते हो आप मैकेनिक का ले सकते हो सो ये सारे आप मल्टीमीटर परचेस कर सकते हो मल्टीमीटर तो इम्पॉर्टेंट है ये कॉम्पोनेट की वैल्यू चेक करने के लिए जी चेक करने के लिए रीडिंग चेक करने के लिए तो मल्टीमीटर के बिना तो कुछ नहीं कर सकते वोल्टेज चेक करना है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीमीटर तो एक बहुत अहम हिस्सा है मोबाइल रिपेयरिंग का और मल्टीमीटर कम से कम अपने पास में तीन रखेगा रीज़न क्या है कई बार मल्टीमीटर होते हैं कि वो सही रीडिंग होने पर भी सही रीडिंग नहीं दिखा पाते हैं वो मल्टीमीटर का फॉल्ट होता है और उसको हम अपना पी का फॉल्ट समझ लेते हैं और उस पर हम अननेसेसरी वर्क कर देते हैं और वो काम खराब हो जाता है तो ये है सोल्डिंग डी सोल्डर पंप ये हमारे मुबाइल पेनिंग में जरूरी नहीं है ये है पीसीबी होल्डर तो पीसीबी स्टैंड भी बोल सकते हैं आप इसको पीसीबी स्टैंड काफ़ी अच्छे अच्छे कैटेगरी के भी आते हैं दोस्तों आप ये जो होता है यूनिवर्सल पीसीबी स्टैंड है ये ले सकते हो इसमें ये सौ रुपए का भी आता है हल्की क्वालिटी क्वालिटी होती है अगर आपका बजट कम है तो फिलहाल शुरुआत के दौर पर तो ले लीजिए क्योंकि चल जाएगा बट अगर आप ये दो सौ ढाई सौ रुपए का लेते हैं देखिए आप दोनों को हाथ में रख के देखेगा आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना वजन है कितना नहीं है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी क्वालिटी है आप इसको परचेज कर सकते हैं ये आईफोन की यूनिवर्सल पीसीबी स्टैंड होता है ये भी आप परचेस कर सकते हैं ये है जंपर वायर ये है कटर जंपर वायर काटने के लिए कटर यूज कर सकते हैं आप ये है जंपर वायर ऑब्वियस है जंपरिंग करने के लिए वायर होता है इंसुलेशन ये जंपर वायर भी कई प्रकार के आते हैं जैसे कि ये हो गया आईफोन के लिए जंपर वायर अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पॉइंट जीरो वन एम एम का ये जंपर वायर है सो ये जो जम्पर बार है ये माइक बेसिकली ये जम्पर बार वो जंपर बार से अलग है क्योंकि ये जो जम्पर बार है ये हम जब भी जो पहले थ्री या जो 2G hotte, mein, के मोबाइल होते थे या अभी के 4G मोबाइल में जैसे डिस्प्ले कंडक्टर रखे एंड से अगर हमने लाइट नहीं आ रही है तो वहाँ कंडक्टर तक हमने लाइन मार दी तो हम ये जंपर बार का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इंसुलेशन की परत होती है इसमें भी होती है पर यह जंपर बार माइक्रो जम्पर बार होता है ये कंटिन्यूटी मोड पर होता है इसका यूज केवल आई के अंदर माइक्रो जंपरिंग करने के लिए होता है सो मैं उन भाइयों के लिए जिनको माइक्रो जंपिंग आती है वो लें जिनको माइक्रो जंपरिंग नहीं आती है तो वो अभी इसको मत परचेज करें पहले माइक्रो जंपरिंग अच्छे से सीखें या इसको ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं बाकी माइक्रो जंपरिंग के लिए बहुत अहम होता है माइक्रोस्कोप क्योंकि आपने देखा दो चीज़ कॉमन हो गई है माइक्रो सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़े जो लोग हैं वो सोचते हैं कि सर माइक्रोस्कोप क्यों जरूरी है तो भैया माइक्रोस्कोप मैं माइक्रो जंपिंग के लिए की जाती है अगर मैं बात करूँ आईसी को निकालने लगाने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है दोस्तों बिना माइक्रोस्कोप कि हम आईसी निकाल सकते हैं लगा सकते हैं जंपर भी मार सकते हैं पर माइक्रो जंपरिंग या बात करें या माइक्रो लेवल पे काम करना है स्केचिंग करनी है सो वो या पैड बनाने हैं सो वो करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा बट अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत दौर पर आप ये काम नहीं करना है या ये काम नहीं सीखा तो आप बिल्कुल मत परचेस कीजिए आप ये मत सोचिए कि बिना माइक्रोस्कोप के तो कुछ भी नहीं होगा मैं रिबॉलिंग भी नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है हाँ पर जिन लोगों को माइक्रोस्कोप में करने की आदत है वो जनरली उसके बिना नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक आदत बन जाती है एक चीजों को थोड़ा बारीक से और थोड़ा सा क्लियर तरीके से देखने की पर मैं ये समझता हूं कि अगर आपका बजट कम है तो आप बिना माइक्रोस्कोप से भी काम कर सकते हैं अगर आप बोल रहे सर हमको माइक्रो जंपरिंग फिर कैसे करेंगे तो आप जो माइक्रो लेंस आते हैं जो आंखों में लगते हैं उसके भी छोटे छोटे आते हैं हाथ में आप मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं बहुत सारे यंत्र ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो आप बाजारों से परचेस कर सकते हैं जो ईजिली अवेलेबल मिल जाते जो ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं तो ये हो गया डबल टेप ये हो गया सोल्डिंग शोल्डिंग सोडी वार क्या काम करता है दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा ये वार भी अगर बहुत पतला और बहुत मोटा आता है था। जैसे आप देख रहे होंगे ये बहुत पतला है पतले वार यूज करने का मतलब फायदा ये होता है अगर जिसका एम एम थिकनेस कम हो तो रीजन क्या होता है कि हमको जितना चाहिए हम उतना ही लें जनरली बड़े में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा रंगा आ जाता है तो हालांकि काम करने वाला अपने हिसाब से कर लेता है पर फिर भी इसमें भी अच्छी क्वालिटी आती है तो अच्छी क्वालिटी का ये परचेस करें ये होता है पीपीडी पेस्ट इसको पीपीडी पेस्ट बोलते हैं ये इसको हम बीजे पेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों ये बीजे पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना क्योंकि ये अलग अलग डिग्री टेम्परेचर पे आता है 183 डिग्री हो गई 138 डिग्री हो गई उसके अलावा भी डिग्री टेम्परेचर पे आता है तो क्या क्यों और ये सारी डिग्री टेम्परेचर का क्या रीज़न है यह तो आपको आने पर पता चलेगा किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में जाने पर हमारे यहाँ या कहीं और आपको पता चलेगा कि इसका क्या रीज़न है और रजनील दोस्तों हम एक पीपीटी से दुनिया की सारी आई को रिबोल्व नहीं कर सकते हैं एक बार ध्यान रखना आईफोन एक्स की बात करें अगर उसकी लेयर वन डिग्री पी पर ही रिबॉल होती है तो और ये कम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या है अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बट ये काम अगर सही तरीके से सीखना है तो इंस्टीट्यूट में सीखेगा तो पी पेस्ट खरीदेंगे तो बिल्कुल भी सस्ता मत खरीदिए पी पेस्ट को खुला का मत रखिए हमेशा उसको पैक बंद रखिए क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं और इनको यूज़ करने का भी एक तरीका है हमने बहुत सारी वीडियो में अपने दिखाया है आप चाहें तो वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे इंजेक्शन में पीपीडी आ रहा है अलग अलग ग्राम में बीस ग्राम में ये सारी बीस ग्राम का ही ये आपका सौ रुपए का होगा बाकी ये सब बहुत महंगे महंगे पीपीडी होंगे और ये मैकेनिक है काफी अच्छी ब्रांड है ये ये गया डी सोल्डर वार ये डी सोल्डर वार आप जरूर लीजिएगा क्योंकि ये जब भी सपोज अगर आपने किसी कॉम्पोन को निकाला है या किसी आ, आपने आईसी को निकाला है या कनेक्टर को निकाला है तो उसके जो पैड होते हैं जिसपे ऑलरेडी रंगा जो एक्स्ट्रा सोल्डरिंग सोल्डर लगा होता है जो रंगा बोलते हैं जिसको रंगा होता है उसको क्लीन करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेस्ट है ये सारा रंगा आपने ऊपर सोख लेता है सो बस इसके उसके ऊपर रख कर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको आ, सोल्डिंग आयरन उस पर रखनी है और वो सारा रंगा एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पैड को क्लीन कर देगा ताकि आप फिर से वहाँ पर नए तरीके से काम कर सके सो so, ये आपको जो लेना है ये सस्ता बिल्कुल मत लीजिएगा देखिए अगर आपका बजट कम है तब भी ये सस्ता मत लीजिएगा क्योंकि किसी काम का नहीं होता है सस्ते में क्योंकि झाड़ू के की की जैसे बिखर जाता है और और काम खराब कर देता है तो कम से कम ये डेढ़ सौ रुपए के तक ये सौ तीस रुपये के ऊपर का ही परचेस कीजिए अस्सी पचास सौ साठ रुपए वाला ये बिल्कुल परचेस मत कीजिए ये खास रिकमेंडेड है सो ये टूल्स जो है मोबाइल फोन के खोलने के लिए टूल ये बिल्कुल परचेस कीजिए इसमें भी जो ये सौ तो रुपये के अस्सी रुपये के आपको हर जगह मिल जाएंगे ईजीली ये होता है डीसी पावर सप्लाई मशीन तो दोस्तों सबसे बड़ी बात डीसी पावर सप्लाई मशीन कौन सी ख़रीदें हैं आप यहाँ पे अलग अलग डीसी पावर सप्लाई मशीन देख रहे होंगे अब जैसे कि मैंने पहले दिखाई है वो दो एम की है और ये पाँच एम की है तो सभी के जो लेटेस्ट मोबाइल हैं वो पाँच एम पे ही चालू हो रहे हैं और जो पुराने जब थ्री या टू वाले मोबाइल थे वो दो एम पे काम होते थे तो अभी मेरा कहना ये है भले ही आपका काम आज कम आप बजट में चालू कर रहे हो पर आगे तो आपको अच्छा काम करना ही है तो बट इस बजट में आप ये मशीन जरूर ऐड कीजिए कम बजट हो तब भी भी आपको पांच एमपियर का ही मशीन खरीदना है दो एमपेयर का मशीन किसी भी हद तक सही नहीं है बेकार होता है और बहुत सारे नए मोबाइल आप उसको चालू भी करेंगे डीसी लगाएंगे तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा कुछ मोबाइल चालू होंगे ही नहीं जो चालू होंगे आप उनको भी लगेगा आप उनकी पावर ऐसी भी उतार दोगे और पाँच एम से शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग निकालना भी बहुत ईजिली हो जाता है तो ये भी अलग अलग रेट में आती है आप चाहो तो इसको रेटिंग का अगर आपको पूछना है तो मैं नीचे जेड एक्स मिलिक का नंबर दे रहा हूं आप उनसे जाके कांटेक्ट कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो जेड एक्स मिलिक सबसे बेस्ट है आप उनसे जाके पूछिए और भी बहुत सारे हैं सभी बेस्ट हैं आप अगर डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप जाइए दिल्ली जाइए काफाड़ मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं टूल्स लेके और सभी जेन्युन है और दूसरी बात अगर आप लोकल में अगर आपके पास कोई सेलर है तो आप वहाँ जाइए दोस्तों ये हो गया आपका एस मशीन ये शुरुआती सबसे पहले आता था, था आपको याद होगा तो अब तो एस मशीन काफी अच्छी आ रही है एस मशीन पे मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सी एस मशीन आपको लेना चाहिए तो उस पर मैं आपको एस मशीन में एक दिखाता हूँ कि कौन सी देखिए एक एस मशीन ये हो गई है ये है क्विक की एट सिक्स वन ये जिससे आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों ये आपको नहीं लेनी है शुरुआत दौर पे भी नहीं और अच्छे पे उसमें भी नहीं अगर आपका बजट बहुत अच्छा है और काफ़ी पैसे हैं तो बिल्कुल लीजिए ये आपके लिए बहुत अच्छी मशीन है इसको लीड फ्री मशीन बोलते हैं तो दोस्तों ये जो मशीन है 861 सिक्स वन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे भी अच्छी है एक मशीन में आपको क्योंकि हाँ अगर बजट अच्छा है तो करूंगा देखिए मैं तो यूज़ कर रहा हूँ कुछ पर्सनली और मैं जानता हूँ ये कितनी अच्छी है और इसका क्या फायदे हैं हालांकि बट आपके बजट में जो मशीन आने वाली है वो ये है क्विट की एट फिफ्टी सेवन डी डब्ल्यू प्लस सबसे बेस्ट और अच्छा रिकॉर्ड रहा है इसका नाइन्टी परसेंट इंस्टीट्यूट इसी को यूज़ करते हैं वो चाइना के हो या इंडिया के कहीं के भी और ये दो टर्म्स में आती है एक ओजी और एक इसका डुप्लीकेसी भी आती है तो ध्यान रखिएगा आप किसी भी थर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि ओ जी है कि नहीं है इसके पीछे इसके मोडोग्राम्स या कुछ अलग तरीके से इसके स्टीगर्स आते हैं या तो हम बात करें कैसे पता चले कि ओ जी है तो आप डीलर चूज़ करो जो डीलर बिल्कुल सही है जो फेक नहीं है वो कभी देखिए वो एक अच्छा बड़ा डीलर कभी भी फेक प्रोडक्ट सेल नहीं करता जेड एक्स मिलिक को आप इसमें चूज कर सकते हो वो काफ़ी अच्छे हैं और वो आपको हमेशा ओ जी प्रोडक्ट देंगे सो so, क्विक एट फिफ्टी सेवन डी डब्ल्यू प्लस सबसे बेस्ट है और अगर आप उसके नीचे सेगमेंट में जाना चाहते हो तो आप जो और भी अदर हैं अब दो हज़ार डेढ़ हज़ार ढाई हज़ार में जो एस आ रही हैं जिसमें हम बोला जा रहा है कि उसके कागज़ नहीं चल रहे हैं तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी दी हुई हैं आप दिल्ली जाओ गफार मार्केट में बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी तो वहाँ पर भी आप जाके एस को चूज़ कर सकते हो खुद पी ले जाओ सामने एक बार अपनी पी के कलेक्टर निकालो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो एस अच्छी है कि ख़राब है बाद में अगर पर इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट आते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो कम से कम 12 प्रकार के एस एमडी लगी हुई अलग अलग प्रकार के एस एम डी लगी हुई है तो उनको खुद वहाँ पर बैठ के प्रैक्टिकल करने पर खुद पता चल जाता है कि उनको क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ये असेंबली के पहले कॉयल होते थे जो जल जाते थे पर अब ऐसा नई असम्बलीओ के साथ नहीं हो रहा है दोस्तों ये इसको हम बोलते हैं सक्सन कप बोलते हैं बेसिकली ये जैसे आईफोन हो गया जो डिस्प्ले जो खुलते हैं या तो उसको उठाने के लिए काम करते हैं सक्सन सक्स सक, इसको सक्सन कब बोलते हैं सक करते हैं ये डिस्प्ले को तो ये आप ये ले सकते हो इसमें भी अच्छी क्वालिटी का अगर आप परचेस करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा हालांकि हालांकि इसमें भी अच्छी क्वालिटी का परचेस करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा हालांकि ये भी जो लोकल होता है वो कुछ ही दिन चलता है उसके बाद इसका रबर निकल जाता है दोस्तों ये होता है ज, ज, जो आप, 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 आप दोस्तों क्योंकि आपने नई मोबाइल की शॉप खोली है तो हालांकि आप आ, ने टच का भी काम करेंगे दोस्तों अगर आपने नई दुकान की शॉप खोली है तो आप टच का भी और डिस्प्ले का, का भी काम करेंगे तो ये टच को लगाने का जो ग्लू होता है ये ग्लू है जैसे कि आप देख रहे हैं बी सेवन थाउजेंड ई एट थाउजेंड टी सेवन थाउजेंड तो ये बहुत सारे जो ग्लू हैं ये टच को लगाने के काम में आते हैं तो ये तो आप बिल्कुल ख़रीदने ये तो आपको लिस्ट में आप इसको तो आपको जो जो सामान लग रहा है कि मुझे ख़रीदना है उसका स्क्रीन ज़रूर लेते जाइएगा फिर ये हो गया मैग्नीफाइल लेंस जैसे कि मैंने बताया जिन भाइयों को नहीं खरीदना है माइक्रोस्कोप या उनको लग रहा है कि क्या माइक्रोस्कोप वाकई में चाहिए नहीं चाहिए दोस्तों आप ये भी ख़रीद सकते हैं ये मैग्नीफायल लेंस काफ़ी अच्छे हैं आपने पीछे देखा ये वाले लेंस भी काफ़ी अच्छे हैं तो आप इनसे भी काफ़ी हद तक इनसे जूम हो जाता है काफ़ी हद तक हम इनसे बारीक चीज़ें देख सकते हैं तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं ये हैंड ग्लव्स होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं और ये जो होता है दोस्तों ये एस एम डी ट्विस्टर होता है ये इसका तो ये जो होता है ये स्मार्ट टेस्टर बोलते हैं इसको इस पर मैंने भी बहुत पहले वीडियो बनाया था तो ये खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों तो तो मल्टीमीटर से काम हो जाता है इसको हम आ, इसको एक तरह से हम ई एच डी वॉच इसको हम इस तरह से ई एच डी बैंड बुला सकते हैं सो तो ये आ, इसका एक सिरा कहीं पे भी आपको ग्राउंड पे करना होता है तो जो भी आपके प्रोटॉन्स होते हैं जैसे कि जो भी फोर्स सर्कुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो जो भी आपके लॉटॉन होते हैं जो भी फोर्स सर्कुलेशन होता है उनका तो वो ग्राउंड हो जाते हैं इस तरह से ये सपोर्टेबल होता है पर बहुत है ये काम नहीं करता है फिर भी आप इसको खरीद सकते हैं सस्ता आता है ये अच्छा दिखेगा दुकान में शॉप में जो दूसरे लोग देखेंगे देखने में अच्छा लगेगा ये भी एक अच्छी चीज़ है दोस्तों इसमें पीसीबी होल्डर भी मिल जाता है इसमें लेंस भी अच्छा होता है पर जनरली अच्छी क्वालिटी आप परचेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत देखा है कि ये बहुत ढीले हो जाते हैं और इनके लेंस में धूल भी बैठ जाती है दोस्तों ये जरूरी है आपके लिए जो भी नई दुकान खोल रहे हैं ये जरूर परचेस करना है इसको बोलते हैं एक्टिवेटर ये क्या काम करता है इसको बूस्टर भी बुलाते हैं बैटरी बूस्टर बैटरी एक्टिवेटर और ये इसमें आप देख रहे होंगे इस जगह पर पूरे आईफोन के आपके कनेक्टर है इस जगह ओप्पो वीवो के कनेक्टर हैं तो जो भी नए कनेक्टर आ रहे हैं उनको उनकी जो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है इसमें ये छोटा और एक बड़ा आता है छः सौ हज़ार बारह सौ कुछ इस तरह का तो ये काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट भी आप परचेस कर सकते हैं और इसमें ये जो बटन दिया हुआ है बूस्टर एक्टिवेटर है जब आपका बैटरी बिल्कुल जीरो पे आ जाए तो बटन को थोड़ी देर तक दबाना है तो बैटरी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी आपकी और यहाँ पे डिस्प्ले है और आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि एक जगह पे वोल्टेज और एक जगह पे एम्पियर है जैसे सपोज अगर मैंने किसी बैटरी को लगाया तो अगर उसके वोल्टेज जीरो जीरो हुए तो यहाँ पे बता देगा बट तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको दो तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा कि वो एक वोल्टेज और एक एम्पियर है जैसे सपोज आपने एक चार्जर लगाया तो यहाँ पर ये बता देता है कि कितना चार्ज आप इनपुट ले रहे हैं और ये एम्पियर है कि कितना एमपियर आप एक्चुअली में दे रहे हैं सो so, दे रहे हैं वो आपको पता चलता है जैसे, मैंने जीरो बोल बैटरी लगा दी अब मान लीजिए वो एम्पियर ले रहा है कि पॉइंट फाइव हंड्रेड मिली एमपियर फलाना मिली एमपियर इतना ले रहा है तो इसका मतलब वो बैटरी जीवित है वो अभी भी चालू है पर अगर वो बिल्कुल नहीं ले रहा है एमपीयर तो इसका मतलब है कि उसके सेल जनरेट नहीं हो रहे हैं वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है ये होता है इसको हम बोलते हैं मैट और ये हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के लिए होता है ये काफ़ी हैवी मैट होता है जैसे कि नीचे जेड एक्स में लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं जो चैनल लेवल पर होते हैं ये मैट आप परचेस कर सकते हैं हालांकि जो फोटो दिखा रहा हो ये मैट तो काफ़ी महंगा है ये छः से सात हज़ार का मैट है काफ़ी अच्छा मेटल का ये मैट होता है आप इसमें सस्ता मैट भी यूज़ कर सकते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है दो हज़ार डेढ़ हज़ार पर ये तब जब आप माइक्रोस्कोप परचेस करें पर अगर आप माइक्रोस्कोप परचेज नहीं कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है पर दोस्तों सच बता माइक्रोस्कोप को पीछे राउंड ऑफ करके घुमाकर उस पर कुछ भारी आइटम रख कर नीचे आप सस्ता था डेढ़ सौ सवा सौ रुपये वाला मैट भी रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये सब ये सब हम कब करें जब हमारा काम चलने लगे जब आपकी दुकान दौड़ने लगे जब आपको आपको रिस्पॉन्स मिले जब आपको आ, कुछ प्रॉफिट होने लगे तो दोस्तों फिर ये काम कीजिए अननेसेसरी लोन लेके या ये सब करके ये लगाना क्योंकि ये लगाने से मोबाइल नहीं बनने वाला मोबाइल आपकी कला से बनने वाला है मोबाइल आपके मेहनत और आपकी आपके दिमाग से बनेगा तो दोस्तों ये जैसे कि मैट मैंने बताया ये अच्छा मैट है अगर आप परचेस करना चाहें अगर आप ये ले सकते हैं जैसे ये माइक्रोस्कोप के लिए नहीं है बस ये आप नीचे रख सकते हैं मैट रखने से फायदा होता है लुक लुक अच्छा आ जाता है जैसे इसमें कॉम्पोनेट होल्डर मिल जाते हैं कॉम्पोनेट आप रख सकते हैं इसमें पार्ट्स रख सकते हैं या स्क्रू रख सकते हैं मैग्नेटिक रहता है यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं और यहाँ पे पीसीबी आप उसको रख सकते हैं और नीचे की प्लेट जो भी हम हीट करते हैं कई बार हमारे टेबल ख़राब हो जाती है तो ये उससे भी बचाता है जैसे कि आप देख रहे होंगे एंटी एंटीस्टेटेज और बहुत सारी है सर्किट बोर्ड लोकेशन एरिया सारी चीजें पांच सौ डिग्री सेल्सियस तक ये हाई टेम्परेचर सहन कर लेता है जो कि एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं एक अगर हम असेंबली से भी अगर हीट दे तो साढ़े चार सौ के ऊपर कभी नहीं देते हैं। तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं ये होता है आपका सेपरेटर मशीन टच सेपरेटर ये होती है आपकी सेपरेटर मशीन ये आपके डिस्प्ले और टच को अलग करने के लिए होती है ये तो आपको खरीदना ही है ये जो है इसमें आप जो भी खरीदेगा दोस्तों वो तीन हज़ार के ऊपर लगभग वाली खरीदेगा क्योंकि तीन हज़ार के नीचे मैंने जितने भी देखे हैं और जितना भी आज तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ठीक नहीं रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके ख़राब हो जाती हैं तो अच्छी आप खरीदिए पर इसमें बहुत तामझाम भी मत खरीदिए ये टू इन वन थ्री इन वन ऐसा मत खरीदिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हद तक काम नहीं करती हैं हाँ इसमें आप अच्छे कर सकते हैं इसमें इसका जो ऊपर का हीट कवर एरिया है वो और भी बड़ा आता है जिसमें आप बड़े टैबलेट भी रख सकते हो तो वो ज़रूर देखेगा कि नहीं तो कल को पता चला आपके बाद में टैबलेट आया तो आप उसका भी नहीं निकाल पा रहे हैं थोड़ा सा पोर्शन आगे पीछे उसका जो उस पर हीट जानी चाहिए वो हीट नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं वो उसमें डिस्प्ले टूटने का डर रहता है अच्छा ये छोटा माइक्रोस्कोप बच्चा माइक्रोस्कोप है ये बिल्कुल मत लीजिए किसी काम का नहीं है और इससे कोई भी क्वालिटी इसमें नहीं है ये पैसा वेस्ट है अब ये माइक्रोस्कोप परचेस कर सकते हैं ये महंगे माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो मैं आपको बताऊंगा ये होता है आई पावर अगर जो आईफोन का, का काम कर रहे हैं वैसे ही एक ऐसा एंड्रॉयड का टूल भी आता है वो बिल्कुल परचेस कर ले पर अगर आपका नया काम है और आप लेकर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं है हाँ अलग आ, पर ज़्यादा महंगा नहीं आता है छः सौ का आता है उसमें कुछ ओप्पो वीवो के बैटरी भी आ जाते हैं बैटरी के कनेक्टर सपोर्टिंग कनेक्टर आ जाते हैं तो ये आप ले सकते हैं अब इसमें क्या खासियत क्या है कि इसमें पा पी करके एक बटन दिया हुआ है इसका मतलब ये है IPhone में क्योंकि हमने पीसीबी निकाल ली तो हम कहां से उसको ऑन करें तो उसके लिए स्विचिंग करने के लिए तो यहां पर हमें इसको लगाना है ऑन ऑफ का बटन दबाना है पावर की बटन दबाना है और ये फोन ऑन हो जाएगा काफी अच्छा टूल है इसको आई पावर टूल बोलते हैं और ये आईफोन एक्स और एक्स मैक्स और ऊपर को भी सपोर्ट करता है तो ये भी आप बिल्कुल लीजिए ये आपको पंद्रह सौ रुपये के आसपास का तक का मिल जाएगा अब ये इसमें केबल भी आती हैं आप चाहें तो ये केबल भी ले सकते हैं ये चार सौ पाँच सौ या दो सौ ढाई सौ रुपये तक की भी आपको मिल जाएंगी ये यूनिवर्सल आपको बोर्ड का होल्डर है काफ़ी अच्छा है पी होल्डर है ये बिल्कुल आप ले सकते हैं इसमें यहाँ पर आपको आईफोन की ए हो गया उसका ई हो गया एट हो गया ये सब रखने की जगह है ताकि आप उस पर ग्लू साफ़ कर सकें और ये दोनों तरफ से आप चाहें तो दो पी भी अटैच कर सकते हैं या बड़ी पी भी अटैच कर सकते हैं और ये अच्छा काम कर सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैं भी ये यूज कर रहा हूँ ये देखिए तो काफी अच्छा है और ये बिल्कुल खरीदे वन टाइम परचेसेबल है और हालांकि अच्छे से रखेंगे दोस्तों क्या होता है इंस्टीट्यूट में तो एक टूल पे सौ तरह के बच्चे काम करते हैं तो इसलिए वो जल्दी खराब हो जाते हैं पर अगर आप अपनी दुकान पे रखेंगे और अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म चलेगा तो ये होते हैं ग्लू क्लीनर कुछ इस तरह से एडहेसिव ग्लू क्लीनर आते हैं लिक्विड में ये बिल्कुल मत खरीदिए क्योंकि किसी भी पेस्टेड को ब्लैक पेस्ट हार्ड पेस्टेड को काटने के लिए कोई भी ये काम नहीं करता है बेमतलब का पैसा वेस्ट है अच्छे से सीख लेंगे तो आपको सब काम करना आ जाएगा ये कटर बिल्कुल खरीदेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत क्योंकि अभी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब में जो सील्ड हो रही है जो उसमें आपको देख रही होगी एक, एक सील लगी आ रही है वो सारी जो सील है उसको काटने का काम करता है जो पतरा बोलते हैं केन बोल सकते हैं तो बेसिकली कई लोग नाइन कई लोग क्या सौ परसेंट में से नब्बे परसेंट लोग उसको हीट दे निकालते हैं और अपने फ़ोन को डैड कर देते हैं क्योंकि वो हीट सी में चली जाती है उसके बॉल निकल आते हैं पावर आई सी उठ गई या फिर ई एम एम उड़ गई सो so बेसिकली ये काटने के लिए आपने देखा होगा ये बहुत पतला और कोकोटाइल जैसा है बिल्कुल तो इसीलिए थोड़ा तो भारी उसमें आईफोन का एक अलग आता है तो वो, वो बिल्कुल परचेस कीजिएगा ये बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये हो गया हीट रजिस्टेंट टेप ये बिल्कुल आप परचेस कीजिए जैसे सपोज मैं काम कर रहा हूँ पावर आईसी और मैं नहीं चाहता कि उसके बगल में एक आईसी लगी हुई है तो वो आईसी पे हीट पड़े तो मैं उसके आसपास ये सारे टेप लगा दूंगा टेपिंग करने से ये फायदा होगा कि जो भी हीट है वो रजिस्टेंस ये हीट को रजिस्ट कर लेगी और इसके अलावा आपको क्या मैं टूल्स दिखा सकता हूँ जो भी बेस्ट टूल है ये देखिए दोस्तों ये ये भी जो छोटा सा माइक्रोस्कोप है इसको आप माइक्रोस्कोप तो नहीं बुला सकते हम बोल सकते हैं क्योंकि माइक्रो को चीज़ों को हालांकि माइक्रोस्कोप ही है बट ये इसको हम बोलते हैं एट एल ई डी यू एस बी माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप यू एस बी कैमरा बोलते हैं और फोकस व्हील दिया हुआ है एक स्नैप शॉट खींचने के लिए एक बटन दिया हुआ है एल ई डी स्विच दी हुई है स्टैंड है काफ़ी अच्छा है दो हज़ार रुपये तक का आता है छः सौ रुपये का भी आता है आठ सौ रुपये का भी आता है पर मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि छः सौ आठ सौ वाला मत लो उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं है उसके मेगा बिल्कुल डाउन है और दो मेगा का आता है उसकी क्वालिटी नहीं है लेना है तो कम से कम दस मेगा का लो जो कि आपको दो ढाई हजार रुपये तक का मिल जाएगा तो दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे टूल्स के वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके बाद कुछ बड़े और हैवी टूल्स मैं आपको लाऊंगा कि क्या हमें लेने चाहिए क्या हमें लेने नहीं चाहिए जैसे यहाँ पर ये फ्लूप का मल्टीमीटर है ये आईफोन के लिए इस तरह से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आईफोन वाले यूज़र के लिए कि क्या हमें आ, ये जो मल्टीमीटर है ये क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए तो ये वीडियो के लिए दूसरा पार्ट आएगा आपको बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर सो so, जुड़े रहें चैनल से और मुझे बताएं कमेंट में कि क्या चीज़ हमने छोड़ दी है क्या चीज़ हमने नहीं ली है जो भी है हम इसको आगे के वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा और आप देख रहे हैं इस वक्त इन देश का सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का जो वीडियो है और अगर आपको हमारे को ज्वाइन करना है तो हमारे कॉलिंग मैनेजमेंट खुले हुए हैं आप हमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बारह बजे से पाँच बजे के बीच में कॉल कीजिए थैंक यू वेरी मच जुड़े रहें चैनल से अपडेट रहिए और घर में रहिए बाहर मत निकलिए बस मैं ये ना ये कहना चाहता हूँ और जो भी हमारे जो स्टूडेंट है जितने हमारे बुकिंग स्टूडेंट है मैं उनको बता दूँ कि बहुत जल्द हम उनको अपडेट देने वाले हैं जैसे ही तीन तारीख निकल जाने दीजिए अगर तीन तारीख के बाद में सरकार आगे नहीं बढ़ाती है ये कोरोना तो हम अपनी बैच की डेट को डिसाइड कर लेंगे और किसी भी बैच के में हम इन लोगों को आप लोगों को जो भी पुराने बैच के हमारे हैं उनको हम बुला लेंगे सो दोस्तों इसलिए और अभी मैं कह रहा हूं अभी जो हमारे एडमिशन ओपन हो रहे हैं वो 28 जून और 28 जुलाई के लिए हो रहे हैं तो अभी से 28 जून और 28 जुलाई के लिए अपनी सीट को बुक कराइए और सुरक्षित रहिए घर पर रहिए थैंक यू वेरी मच और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दो बार किया ऑन मोबाइल तो में बिल्कुल आपने किया है तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है के डायग्राम के अच्छा किस किस को मैट्रिक रीड करना अभी बन जाएगा मजा बताओ डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं रिसीवर और रिंगर जिस जिस जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है बिल्कुल चेंज हुआ आपका नाम क्या कहां कहा है मनोज दिल्ली से इतना बड़ा शहर साउथ नॉर्थ दिल्ली इतना बड़ा आप छोटे से जबलपुर में क्यों सर मैं बता नहीं सकता ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है और सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिसे सीखना यहाँ पे आके सीखो मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा अगर सीखना यहाँ पे आके सीखो प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर बिल्कुल और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर क्या बात है तालीम आजादी की पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है क्या ही बात है तो वो बहुत, बहुत ये तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए सर मैं भी प्रेसान आपको तो सर रात को बारह बाजे भी पड़ना होता है बारह बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं जो ये कॉम्पोनेंट को पूरा सर्किट है, है जो हमारे पास कुछ ओजर ही नहीं होता है जबकि तो नौ डिग्री तो टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का इतने कम डिग्री में लोग कम्बल में घुस जाते हैं लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना ओजर के क्या बिल्कुल ये है ये मच An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing and Android apps. Link in description.